स्त्रीलिंग या योनिलिंग या क्लाइटोरिस क्या होता है, महिलाओं को क्या ज़्यादा पसंद है, उसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्लाइटोरिस यह एक फीमेल सेक्स स्टिमुलेटिंग ऑर्गन है। यह एक छोटा सा स्किन का फोल्ड जैसा, मटर के दाने जैसा, एक छोटा सा लिंग है, छोटा सा लिंग जैसा पार्ट है स्त्री का, जो यूरिन के होल के थोड़ा ऊपर रहता है। आप चित्र में देख सकते हैं, वहाँ यदि स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ यदि टिकलिंग करते हैं, तो स्त्री को बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, ऑर्गेजम आता है। मतलब कई स्त्रियाँ तो ऐसी बोलती है कि भाई फिंगरिंग करो या वजाइनल सेक्स करो, उससे भी ज़्यादा मजा उनको यह योनि लिंग बोलते हैं उसको, या क्लाइटोरिस बोलते हैं, या स्त्रीलिंग बोलते हैं उसको, टिकलिंग करने में आता है। देखिए, स्त्री को वैसे तीन होल्स नीचे होते हैं। एक होल है यूरिन का, जहाँ से यूरिन निकलती है, पेशाब आती है। दूसरा है वजाइना, जहाँ सेक्स किया जाता है, इंटरकोर्स किया जाता है, और वो वजाइनल सेक्स है। और तीसरा पार्ट जो है वो एनल है, एनस की, जहाँ से लेट्रिन बाहर आती है, शौच बाहर आता है। तो कुछ लोग शौच का भी, मतलब जो एनल एनस है उसका भी यूज़ करते हैं सेक्स करने के लिए, उसको एनल सेक्स बोलते हैं। एनल सेक्स से प्रेगनेंसी नहीं होती है, एनल सेक्स से कुछ नुकसान भी नहीं होता है। तो जब प्रेगनेंसी होती है, और प्रेगनेंसी में जब ऐसा बोला जाता है औरतों को कि भाई अभी सेक्स नहीं करना है, बैन है पहले 3 महीने में, आखिरी 3 महीने में, तो लोग एनल सेक्स भी करते हैं। एनल सेक्स में लुब्रिकेशन करना जरूरी है और कंडोम वापरना जरूरी है, उसके अलग मैंने वीडियोज़ बनाए हुए। ये वजाइनल सेक्स जो है, तो वजाइनल सेक्स से लिंग का योनि में प्रवेश होना, लिंग का फ्रिक्शन होना, इजैकुलेशन निकलना, उसमें स्त्री को आनंद तो आता ही है, क्योंकि वजाइना का मतलब योनि का बाहरी एक तिहाई हिस्सा सेंसिटिव रहता है, उसको मजा आती है, सवाल ही नहीं। मगर वजाइना के जस्ट ऊपर के बाजू योनि लिंग रहता है, मतलब वजाइना के ऊपर रहता है यूरिन का होल, और उसके ऊपर एक फोल्ड रहता है, उसको बोलते हैं स्त्रीलिंग या योनिलिंग या क्लाइटोरिस। तो वो स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है। अभी इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि स्त्री बहुत एक्साइट हो जाती है उसके स्टिमुलेट करने से, उसको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। और जिनको पी का प्रॉब्लम है, पी मतलब प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जल्दी डिस्चार्ज होना, तो उनमें स्त्री यदि जल्दी सुखी नहीं हुई, ऑर्गेजम नहीं हुआ, तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो फिर स्त्री को ये लोगों ने क्या करना है, जिनको पी का प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन का, उन्हें पहले क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट करना, चेतावनी उसको देना, मतलब चेताना उसको, स्त्री को बहुत ज़्यादा एक्साइट करना, और बाद में सेक्स चालू करना, तो फिर दोनों का एक साथ हो जाता है और स्त्री को भी आनंद मिलता है। तो क्लाइटोरिस का काम स्त्री को आनंद देना, बहुत ज़्यादा आनंद देना, वो स्टिमुलेट करना, फोरप्ले में स्टिमुलेट करना जरूरी है। फिर लोग पूछते हैं कि क्या ये ओरल सेक्स में वहाँ लीकिंग करना जरूरी है, क्या वहाँ लीक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ओरल सेक्स में लोग वहाँ किसिंग करते हैं, या टंग से उसको स्टिमुलेट करते हैं, या उंगली से स्टिमुलेट करते हैं, और उससे बहुत एक्साइटमेंट आता है। क्लाइटोरिस स्टिमुलेट करने से प्रेगनेंसी होती नहीं है। क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन करने से, मतलब यूनिलिंग स्टिमुलेट करने से वजाइनल सिक्रीशन होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिससे लुब्रिकेशन का काम अच्छा होता है, और योनि में लिंग का प्रवेश करना आसान हो जाता है। तो क्लाइटोरिस स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, फोरप्ले में वो करते रहते हैं, और वो किया तो स्त्री का संतुष्टि, स्त्री की संतुष्टि बहुत अच्छी होती है, बहुत समाधान उसको मिलता है, बहुत अच्छा ऑर्गेजम आता है। तो यदि कोई स्त्री को पूछे कि भाई समझो उसको समाधान नहीं मिलता है, तो उसका मतलब वो क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन वो व्यक्ति नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप क्लाइटोरल स्टिमुलेशन उंगली से नहीं करते हैं और डायरेक्टली सेक्स करना चालू करते हैं, तो डायरेक्ट सेक्स में भी क्लाइटोरल स्टिमुलेशन थोड़ा बहुत होता ही है, ऐसा नहीं कि होता नहीं, मगर उसमें भी उतना आनंद नहीं आता है और स्त्री संतुष्ट नहीं होती है। तो इसलिए उंगली से क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करना जरूरी है, अंदर लिंग का योनि में प्रवेश करने के पहले जरूरी है, और उसको वहाँ से समाधान देना बहुत ही आवश्यक है। फोर प्ले होने के बाद में फिर हम इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स करने के बाद में भी आफ्टर प्ले जब करते हैं, तो आफ्टर प्ले में भी, या आउट प्ले बोलते हैं उसको, उसमें भी क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करना आवश्यक है। क्योंकि वो भी वहाँ भी करते हैं, तो हो सकता है कि स्त्री सेकंड टाइम उत्तेजित हो जाएगी, और सेकंड टाइम उत्तेजित होने के बाद में उसको सेकंड टाइम भी उसका सेक्स हो जाएगा, और उसको सेकंड टाइम भी मजा आ जाएगा। मतलब एक ही इसमें, एक ही कॉन्टैक्ट में उसका 2 टाइम हो जाएगा, या उसका 3 टाइम भी हो सकता है, यदि आप क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करते हैं तो, और उसमें उसको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा,
और जो पुरुषों का रहता है कि नहीं स्त्री नकार देती है, ना बोलती है सेक्स को, जान पे आ गया, इच्छा नहीं है, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्योंकि यदि एक ही कांटेक्ट में यदि तीन तीन बार यदि स्त्री को सेक्स का आनंद आता है, तीन तीन बार यदि उसको ऑर्गेजम आता है, तो डेफिनेटली वो कभी ना नहीं बोलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी स्त्री पुरुषों को शेयर करो, स्पेशली यंगस्टर्स जो है वो। और ऐसे बहुत लोग अभी हमारी तरफ आ रहे हैं जिनकी शादी होने की है, डेटिंग चालू है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सेक्स करते हैं, एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं, और उसको गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, इलाज कर ले, और फिर वो डिमांडिंग रहती है, तो वो हमारे पास में गर्लफ्रेंड मतलब लड़कियां लेके आती है अपने बॉयफ्रेंड की, उसका इलाज करो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मतलब इतने भी बोल्ड हो गए लोग। तो इसमें आप इलाज करते तो डेफिनेटली, और ये शेयर कर डेफिनेटली सभी को फायदा हो जाए। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।